सिला करेंगे आप लोगों से बड़े सारे सवाल जवाब करने देखिए भाई oh, कितने प्यार से माइक दे रहे हैं यार देख रहे हो इसीलिए ये केमिस्ट्री वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है सो so, मुझे लगता है बाकी सबको भी एक-एक करके बुला लेना चाहिए गुरुपाजी एंड uh, uh, मैं बोली जाओगे अब वो हमें सुनने आए यार क्या बोल जा रहे हो इनको सुनने आए हमें सुनने आए हो uh, वो लव यू धरा रह गया सब मतलब यार मेरी पहली फिल्म आ रही मुझे बोलने का मौका दो यार थोड़ा सा चुप हो जाओ अगले जो हमारी फिल्म फिल्म जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से डायरेक्ट करी है उनको बुलाने से पहले मैं थोड़ा अपना काम कर लूँ इतनी आवाज में काम होता है क्या थोड़ा अपना काम कर लूँ मुझे सुना आज रोज डे है

और तालमेल जैसे गुरु का आपने देखा हाँ। कि हीरो है भाई हीरो हीरो होता है लेकिन उसके अंदर हीरो हीरो होता है कोई बात नहीं है हाँ। देखा आपने जैसे से बड़े बुजुर्गों की जैसे यहाँ पैर छुआ दिखाने के लिए नहीं वैसे ही सेट पे भी सबकी इज्जत करना रिस्पेक्ट करना मतलब वही चीज़ फैमिली वाला माहौल था पूरा और काम करने में आ, सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर को बोलूँगा प्रोड्यूसर भी रिलैक्स्ड हमारे और पूरी तरह से हमारे साथ फिल्म के साथ यानी और खेर साहब तो है ही हैं उनके लिए कुछ कहना मतलब क्या कहें और पूरा सपोर्ट गुरु को भी हम सब को जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी गाइड करने की वो करते थे और डायरेक्टर ग्रेट मतलब यू <laughs> सभी लोग और सारी सपोर्टिंग कास्ट इलाज़ी जो यहाँ पर इस वक्त नहीं है बहुत अच्छा मज़ा आया उनके साथ काम करने में थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अतुल सर सर uh, सर अभी सब सब कुछ बोल दिया है हाँ तो अभी मेरे लिए सिर्फ ये बोलना बाकी रह जाता है कि जिसने मुझे इस फिल्म में पहलवान का रोल दिया है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए कि यार मुझे पहलवान का रोल ऑफर हुआ है <laughs> तो मैंने सिर्फ इतना सुन के ये फिल्म साइन की है बाद में तो जो फिल्म में अभी आप देखेंगे कि मैंने क्या काम किया है काम हर किसी से सीखना पड़ता है हर किसी से सीखना चाहिए मैंने जितना अनुपम जी से सीखा है उतना ही गुरु से भी सीखा है सही से भी सीखा है और अतुल जी से भी सीखा है हमारे जितने भी हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं सबकी एक स्ट्रेंथ रही है जिसको मैंने इम्बाइब किया है और मैं चल मैं सोचता हूँ कि आगे जाके उसका मैं यूटिलाइज करूँ अच्छे से आगे आगे आने वाली फिल्मों में आगे yeah, जो भी yeah. मैं काम करूँगा सो थैंक यू एवरी और अमित जी थैंक यू सो मच अशोक जी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स होप आप लोगों को मजा आए फिल्म देखने के तो प्लीज़ जाइएगा और देखिएगा हमारी फिल्म कुछ खट्टा yeah, हो जाए क्या बात है सर आई होप सर यहाँ पे कुछ वो बोलने की नौबत नहीं आई होगी कि मुझे क्यों तोड़ा पहलवान बन गए तो आई एम श्योर वो नहीं हुआ होगा ओके नाउ लेडीज एंड द प्रोड्यूसर साहब यू नो सर मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था ये बिकॉज मैं यहाँ पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ इससे पहले भी जो ब्रीफिंग वगैरह हुई है ही इज इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग इवेंट्स की अगर बात करें कॉन्फ्रेंसिस बड़ी बड़ी बड़े बड़े इवेंट्स ही इज डन दैट लेकिन यहां जो वो इंथुजियाम है ना

घर में मेरे फैमिली में चाचा मेरे उतने ही क्लोज़ हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखाया चाची हो गई जॉइंट फैमिली हो गई जैसे अनुपम जी इस फिल्म में हैं वैसे मेरे घर पे मेरे फादर हैं करुण भाटिया तो ये सब चीज़ जो मैं घर पे देखता हूँ वो वैल्यूज़ मैंने इस पिक्चर में लाने की कोशिश की है और मेरे ख्याल से एज अ टीम हम लोग सब लोग इस इसमें कामयाब हुए हैं नाव uh, ये एक बहुत अच्छी पारिवारिक और सारी फैमिली की देखने वाली पिक्चर है ये पिक्चर एक टिकट दो टिकट वाली पिक्चर नहीं है ये चार टिकट वाली पिक्चर है पूरा परिवार देख सकता है इकट्ठे बैठ करके के गाने हैं बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे हमने दो गाने रिलीज किए हैं आगे हमारे को आपके लिए सरप्राइज है गाने का तो इसलिए ये जोन की पिक्चर रिलीज की गई है ताकि सब लोग कट्ठे बैठ के एक म्यूजिकल पिक्चर देख सकें Sir, बड़ा खर्च लगता है एक फिल्म को फाइनली थिएटर्स तक लाने के लिए जो कि आपने बखूबी पहले, because... पहले, पहले हाँ, uh, uh, पता चला की प्रोड्यूसर्स भी पहली बार फिल्म बना रहे हैं तो मैंने ज्यादा इसीलिए साइन करी कि इनको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेरे को करनी पड़ेगी और हम जिस दिन से फिल्म शुरू हुई है और आज तक हम दोनों नर्वस ही उस दिन से और उस दिन से मेहनत ही करी जा रहे हैं उस दिन से अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं ताकि हम जिस जिस कोशिश जो कोशिश हमने दिल से करी है वो लोगों के दिल तक पहुँचे और जब भी मैं इनको कॉल करता था यार मेरे को आज थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा मेरे को लो फील हो रहा है फिल्म कैसे प्रमोट होती है कैसे होता है मैंने तो गाने गाए हैं तीन मिनट के लिए स्क्रीन पे आता हूँ ये दो ढाई घंटे के लिए मेरे स्क्रीन पे रहना पड़ेगा ही इज़ टू सेव वन वर्ड पे आग लगा देंगे <laughs> और वो मुझे लग रहा है आग तब लगेगी जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे थैंक यू अमित भाई फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फॉर दिस मूवी क्योंकि बाकी सब ने तो बहुत सारा काम करा है uh, मेरे को ऑन बोर्ड लेके आने के लिए uh, वो जो आपने दिल दिखाया है और मुझे लगता है कि वो मैंने भी उतना ही दिल आपको uh, दिखाया है मूवी में आके मेहनत करके उसकी तैयारी करके और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा करियर शुरू करने के लिए इन मूवीज थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू लवीना मैम आप बताइए मुझे प्लीज वो सर ने कहा आग लगा एक, एक बात मैं बोल दू जैसे गुरु ने बोला कि मेरा करियर शुरू करने के लिए तो मैंने भी गुरु और सही को थैंक करना है अनुपम जी को करना है मेरा करियर शुरू करने के लिए भी थैंक यू

तो सिटी सिटी ऑफ़ ऑफ़ आगरा आगरा थैंक यू सो मच एवरी कंट्री दिस दिस गिव लव दैट वाज़ गिवन टू अस बाय पीपल लवली सलकर देख भी रहा था मैं वो जलेबी बनाने की कुछ पहले कोशिश चल रही थी अच्छी थी अच्छा है सबके जीवन में मिठास घोल रहे हैं व्हाट विल डू इज हमारे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे आई नो रो

एक्टिंग के भगवान से मेरे को कंपेयर कराया उनका नाम ही लिया मेरे नाम के साथ उसके लिए uh, सर, uh, और, uh, बहुत बहुत थैंक यू यार आपका और धर्मेंद्र सर आई थिंक वी कम फ्रॉम द सेम स्टेट और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा इंडियन सिनेमा को और uh, अगर आप कह रहे हो तो मैं ये बात एक परसेंट मान लेता हूँ बट मैं उनके आस भी नहीं हूँ Uh, मुझे उनकी दुआएं चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए जितने भी इंडिया के सुपर हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम करा लाइफ में जिनको देख के हम सब ने एक uh, सिनेमा को प्यार करना शुरू करा उन सबकी ब्लैसिंग चाहिए बट uh, uh, एक बार अगर आपने धर्मिंद्र सर का नाम लिया तो हम मैं चाहता हूँ आप सब धर्मिंद्र सर के लिए शोर मचाओ एक बार यू राइटली फॉर्वर्डक गोस टू बोथ यू एंड सही एज वेल की आई पर्सनली फील की जो कॉन्वर्सेशन होते हैं अबाउट फिल्म बैग्राउंड नॉन फिल्म बैकग्राउंड एक्सेट्रा इट्स अ वेरी पॉइंटलेस कॉन्वर्सेशन ऑफको आई कम फ्रॉम फिल्म बैकग्राउंड बट शीज इक्वली वर्किंग हार्ड एंड नॉन फिल्म बैकग्राउंड से बट आप लोग इतने अच्छे से मेहनत करके काम कर रहे हो इतना अच्छा बॉन्डिंग में हम लोग ने देखा अभी दर रोज वाला वो सो क्यूट सो डू ऑल्सो फील द सेम की जो फिल्म बैकग्राउंड नॉन फिल्म वाला बैकग्राउंड कॉन्वर्सेशन इज वेरी पॉइंटलेस इन टू डि टाइम बिकॉज हार्ड वर्क और मेहनत जो वो उतना ही लगाता है या मैं तो जर्नी मैंने जब शुरू करी तो मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे टीवी पे आना है वो मैंने पहले शुरू गाने से करा तो मैं गाने से टीवी पे आया अब मेरा मूवीज़ का मन है तो मैं मूवीज से टीवी पे आ रहा हूँ बट uh, मुझे लगता है कि uh, जो भी फिल्मी बैकग्राउंड से भी हैं उनके भी मॉम डैड ने कभी ना कभी ऐसे ज़ीरो से शुरू करा होगा उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसा ड्रीम देखा होगा अब आगे बच्चे हो गए हो तो सबके बच्चे होने ही अब वो ये तो नहीं रोकेंगे अब मेरे बच्चे नहीं करने क्योंकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से आ जाएंगे हाँ बट मुझे लगता है कि जो भी दुनिया का इंसान सिंसियर एफर्ट कर रहा है हार्ड वर्क कर रहा है वो उसी को पता है उसी की मेहनत है और उसी उसकी मेहनत को रंग कब लगता है जब ऑडियंस उसको प्यार करती है तो जो किसी को भी चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड से है या नहीं है उसको अगर ऑडियंस प्यार दे रही है तो मतलब ही इज़ मेड इट और आप लोगों का प्यार ही है तो आर्टिस्ट आगे बढ़ता है हम चाहते हैं आप लोग सबको प्यार करो दुनिया में बट हमें थोड़ा सा ज़्यादा करो हमें ज़रूरत है

I think it's just about acceptance. Uh, at the end of the day, uh, there's somebody who's always working harder than you, so you have to keep uh, putting in the work. And I think eventually, that what counts. Thank you. Thank you. Uh, hello, Anupam sir, on your left. Hi, so This is Murthuza from Filmy Beat.

उसके बाद जब मैं आया था तो मैं वहाँ जाके मुझे लगा कि मुझे अब जो काम करना है क्योंकि मैन यू आर वर्किंग फॉर द लास्ट फोर्टी ईयर्स एंड यू डू मोर देन फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी फिल्म देन यू वॉन्ट टू मेक योर जॉब डिफिकल्ट एंड द ओनली वे यू कैन मेक योर जॉब डिफिकल्ट इज बाय थिंकिंग दैट यू आर ए न्यू कमर मेरे को ये वेटरन वगैरह का जो खिताब है थोड़ा डरावना लगता है दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड वे ऑफ टेलिंग यू दिस इज़ हाउ वी लुक एट यू I want to look at myself in a completely different perspective. Of course, I bring in my experience, my love for the, any film that I'm doing. But because uh, earlier I was running fast nowhere, now I'm walking slowly somewhere. So that is, I think, uh, the difference. Uh, I also have a question for the producers, Amit sir and Lavina ma'am. Uh, I wanted to know how easy or difficult was it to get such an amazing star cast together. <coughs> You know, I'll be very honest. Um, God has a plan for everything. So for me, Sai made uh, all the difference. hamare uh, set Sai ek Lakshmi ka hai, ek, ek, uh, ek ka hai. When Sai came into the movie, everything fell in place within say a week or ten days. So this this credit goes to sai and it was an easy ride there's a small trivia here uh, i don't know whether this is a fiction or truth you will confirm it right now in front of everybody sai's dad uh, said that i will okay she will do the film if the grandfather's role is being done by anupam I, Kher. yes it yes, is true yes is that the truth ah, that's the first truth there sir. you are शूट कर रहे थे तो जब ये पता चला के ऐसे अनुपम सर का होना इसमें जरूरी है और हम uh, इतनी बड़ी कास्ट अनुपम सर को कास्ट कर सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी एक क्वेश्चन मार्क था सो देन वी टुक द फर्स्ट फ्लाइट एंड वी वेंट टू लखनऊ एंड वी वर प्रेइंग टू गॉड के अनुपम सर हाँ बोल दें क्योंकि अनुपम सर हाँ नहीं बोलते तो सब कुछ ना हो जाता थैंक यू सर थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग नो वैन आई हर्ड दिप्टज वंडरफुल मैं भी मन में कह रहा था कि आप हाँ बोल दें थैंक यू हेलो हेलो मेरा सवाल परोश जी से है परोश जी आपका एक्सपीरियंस मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा आप आप हमें बताएं कि साई एंड गुरु रंदावा ये, ये कितने अच्छे एक्टर हैं जो स्क्रीन पे ईज होती है ना मेरे ख्याल से जो ईज दिखा पाता है ना वो सबसे -सब बेहतरीन एक्टर होता है जो ये दोनों के बारे में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत ही ईज है इनके परफॉर्मेंस में सो मे बी इनकी ये पहली फिल्म है गुरु की और सही की शायद तीसरी या चौथी फिल्म है बट इतनी ईज मैंने किसी एक्टर में नहीं देखी सो आई थिंक दैट्स अ क्रेडिट गोस टू बोथ ऑफ देम थैंक यू हेलो इन द सेंटर हाय शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन सही मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा कि आप आई एस की स्टडी कर रहे हैं तो रियल आपकी uh, लाइफ में अगर पूछूं तो स्टडी को लेकर आपका कैसा नाता था मैं एक्चुअली बहुत अच्छी स्टूडेंट थी लगती नहीं हूँ शायद बट बहुत अच्छी थी uh, लगती हूँ ओके थैंक यू मैं एक टीचर्स थी मैथ्स में टॉपर थी uh, तो मेरा बहुत अच्छा नाता था स्टडीज के साथ uh, पर एक्टिंग से प्यार हो गया फिर क्या करें वैल अनुपम साहब से भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने देखा है कि उन्हें लव स्टोरी दिखाई गई है क्या कुछ आपके रीजंस रीजन आपने कहा स्क्रिप्ट तो वंडरफुल थी ही फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट और क्या कुछ रीजंस द सब्जेक्ट वाज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैज कम इन इंडियन सिनेमा एंड आई एम सेंग इट विद एक्सपीरियंस वेरी गुड एंड आई मस्ट से वन और टू वर्ड्स अबाउट

आई लव वर्किंग विन यू कम्स बिकॉज दे गिव दर बेस्ट टेस्ट इनका आप शुरू होने वाला है पहली फिल्म में जो भी इमोशन आप महसूस करते हो आप वो इमोशन दिखाते हो वही इमोशन दुनिया तक पहुंचती है और फिर पूरी जिंदगी निकल जाती है उस इमोशन को कैप्चर करने के लिए जो पहली फिल्म बार में बार पहली बार निकली थी हाँ प्रॉब्लम इनके साथ अब आने वाली है मेरे साथ प्रॉब्लम आने नहीं वाली क्योंकि मैं अनुपम सर को जानता हूँ मैं जब भी कहीं पे रुकूंगा मैं सर आपके पास आ जाऊंगा पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपके घुटने पकड़ के बैठ जाऊंगा नहीं नहीं इट्स 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 अ ग्रेट फिल्म इट्स अ आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर बट एक्सपीरियंस ऑफ द तो मुझे ट्रेलर दिखा देना प्लीज सर हां इज द बैकबोन ऑफ द मूवी सो इज द बैकबोन अनुपम जी इज द बैकबोन ऑफ द मूवी बैकबोन सही है तो और गाने कितने अच्छे ना इसके गाने <laughs> वो गाना तो इन्होंने भी मैंने कल इनको फोन करके पूछा कि वो वाला गाना क्यों नहीं रिलीज कर रहे जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्यों तो कहते हमारा वो ट्रंप कार्ड है हमने बचा के रखा हुआ एंड द फैक्ट दैट ही कैन सिंग इजीली इट वाज नॉट दैट ही वाज गुरु रंधावा दिस पॉप स्टार दिस कल्चरल आइकॉन और समथिंग लाइक दैट ही ही वाज देयर टू सॉर्ट ऑफ सिंग एंड हैज एन ईज अबाउट हिज सिंगिंग ही हैज अ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी बेस्ट थिंग अबाउट

अपनी जान फूक दी हमने देखा है कि मतलब आप आ, मतलब गाना भी गा रहे हैं और मतलब लिरिक्स भी लिखे हैं म्यूजिक भी कंपोज किए हैं तो आप कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन फेस करेंगे क्या है क्या यार ये क्वेश्चन मेरे लिए होना नहीं चाहिए वैसे <laughs> क्योंकि जिन यार वो सारे सुपर लेजेंड्स हैं यार और हम सब उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरा किसी के साथ कंपटीशन है नहीं मैं अपने आप को ही प्रूव करने में लगा हुआ फ्रॉम डे वन जैसे सर ने बोला मैं भी अपना हर दिन ऐसे शुरू करता हूँ जैसे मेरा पहला दिन है काम पे uh, मैं पहली बार लोगों से मिल रहा हूँ पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ पहली बार माइक होल्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं ईजी हो चुका हूँ मैं अनइजी रहना चाहता हूँ सारी लाइफ और uh, मैं चाहता हूँ uh, जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड के वो मुझे प्यार करें यार और uh, वो मुझे सपोर्ट करें मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें और जहाँ तक गाने कंपोज करने की बात है आप लोग ही नाराज़ होते हैं अगर मैं खुद गाने इसमें ना गाता या ना लिखता क्योंकि आप कहते फिर लोगों के लिए गाने इतने करे अपनी फिल्म के लिए करानी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है मेरा कंपटीशन अपने साथ है और उसी को मैं रोज़ कम्पीट करूँगा अपने आप को ही थैंक यू गुरु जैसा आपने अभी कहा कि आपका कॉम्पिटिशन आपके साथ है तो इस कॉम्पिटिशन में कौन विजेता रहा है एक सिंगर या एक एक्टर Uh, अभी तक तो सिंगर ही विजेता रहा है एक्टर तो भी आएगा तब पता चलेगा विजेता है या नहीं बट मैं अपने मन में जीत चुका हूँ मैं uh, मैं महसूस करता हूँ जब आपको uh, जब आप एक्टिंग कर रहे हो uh, पहली फिल्म कर रहे हो तो जब डायलॉग्स बोल रहे हो आप जब आप इमोशन फील कर रहे हो आपको सेट पे पता चल जाता है कि आपने सही करा है गलत करा है uh, मुझे लगता मैंने uh, काफ़ी हद तक uh, अपना जो मेरे को जो काम दिया गया था थ्रू आउट द मूवी मैंने अच्छे से निभाया उसको और बाकी मैं एक्टर काफ़ी तगड़ा हूँ आप स्क्रीन पे देख लेना जब आएगी <laughs> क्योंकि मैंने मेहनत भी करी है और साथ साथ जब आपके साथ इतने सीनियर एक्टर्स हों जिन्होंने इंडस्ट्री को चेंज करा है मुझे याद है एक रोल था सीन था जिसमें सर को मैंने डांटना था फिल्म में मैं अंदर शीशे में जा जा कर सोच रहा हूँ यार डांटू के ना डांडूँ कुछ बोलूँ उनको चेंज करवा दें ये रोल वो वाला सीन पर्टिकुलर क्योंकि जब जैसे मेरे साथ कोई भी कॉन्सर्ट पे कोई नया लड़का आके गाना गाएगा उसको लगेगा शायद मेरे को इंप्रेस करने के लिए गा रहा वो तो मेरे को भी लग रहा था कि शायद मुझे सबको इम्प्रेस करना है बट जब मैं सेट पे गया जब मैं सबके साथ गुला मिला तो मुझे ऐसा लगा कि आ, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है मुझे सिर्फ अपना काम जितना दिया गया वो करना है और सबसे थोड़ा थोड़ा सीख के उस काम को एनहेंस करना है एवरी डे क्योंकि तीस पैंतीस दिन है सेट पर अगर पहले पाँच दिन अच्छे नहीं भी निकले तो अगले वाले दिन अच्छे करता रहूँगा तो मैं इसी कोशिश में रहा हूँ कि मैं हर दिन अपना बेहतर करूँ हर दिन सबसे सीख सीख के आगे बढ़ूँ और आई थिंक वही हुआ है कि आज हमारी मूवी रेडी है और अगर मेरी एक्टिंग सही ना होती तो हम लोग ये रिलीज़ ना ही करते मुझे लग रहा है बट मैंने सही करा मुझे लग रहा है थैंक यू थैंक यू हेलो मेरा सवाल अनुपम जी से सर सिद्धार्थ फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन अनुपम जी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर फोर्टी ईयर्स इन द इंडस्ट्री चालीस साल uh, बहुत से मीठे पल रहे होंगे आपके लिए लेकिन कोई एक ऐसा पल कोई uh, जो आपके लिए जहन में रहा हो और वो कुछ खट्टी यादें देता हो ऐसा कोई एक पल आपके है जब तक खट्टी चीज़ें ना हो तब तक तब तक मीठी चीज़ का एहसास नहीं होता है खट्टा खाने के बाद ही मीठा खाने का मजा आता है ना तो ऐसा ऐसा किसी का जीवन थोड़ा वो रास्ता ही क्या जिस पर खा, खाई खायाँ ना हो वो रास्ता ही क्या जिस पर स्पीड ब्रेकर्स ना हो वो रास्ता ही क्या जिसमें खट्टी चीज़ें ना मिले आई वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना आई बिल्ड माई कासल थ्रोन एट मी तो अच्छे होना चाहिए रास्ते में खटास होनी चाहिए परेशानियाँ होनी चाहिए

इससे ज़्यादा भगवान मेरे लिए और क्या कर सकता मैं मैं फिर भी कोसता अपने बुरे दिनों मेरे मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये ये नहीं नहीं हुआ हुआ हाँ। हट बहुत खुश खुश और सब लोग हैं हम अब मैं ट्रेलर बस हो गए सारे सवाल। आ, एक है? दिस तो ही अच्छी फिल्म लग रही है गुरु uh, अब मुझे आपसे पूछना पहली फिल्म है कॉमेडी एक हार्ड सब्जेक्ट है एक्चुअली करना हाउ इजी इट वॉज भी तो हमने देखा है कि स्क्रीन पे यू लुकिंग इन क्वाइट ईजी यू नो और जैसे माई कलीग सेड धर्म जी की याद दिला रही डेफिनेटली चुपके चुपके और उस तरह की जो फिल्में थी ना वो एक थोड़ी सी झलक हमें ऐसा लग रहा था आप में एक्चुअली एंड साइड टू यू ऑल्सो लाइक यू नो कॉमेडी कितना ईजी या डिफिकल्ट यू फाइंड इट

तो मैंने सर को बोला मैंने कहा सर देखो मेरे को ना मेरी पहली फिल्म है और मैं नहीं चाहता मैं किसी को भी नाराज करूँ मुझे सेट पर यही लगता रहता था कि मेरे चक्कर में टेक ज़्यादा ना हो मैं यही दिमाग में लेके घूम रहा था और टाइम ना खराब हो किसी का भी क्योंकि वो दिन सबके बहुत बिजी शेड्यूल में से निकल के सब आए थे फिर मैंने सर जी अशोक सर को बोला मैं क्या मतलब मेरे को एक्टिंग अभी मेरा पहली बार है मैं सीख रहा हूँ मैंने वर्कशॉप भी ली हैं और मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है मुझे लग रहा है मैं कैरेक्टर जी सकता हूँ तो सर को मैंने बोला कि क्या करना है तो मुझे कहते कुछ नहीं करना है तूने सिर्फ वहाँ पर आना है तूने अपने डायलॉग्स बोलने हैं जो तू फील करता है बस वही फ़ील करना है और मैंने सारी फिल्में वो फील करा है और जब हम रुकते थे जब कभी अटकते थे जब सर के साथ शॉट होता था तो सर सबको खड़ा करके स्क्रिप्ट पकड़ा के Uh, सब के डायलॉग्स रिहर्स करवाते थे उसमें एक ईजीनेस आ जाती थी उसमें ऑटोमेटिकली आप जब तीन चार बार करते हो यू you नो know आप कब आपकी आपका डायलॉग आना है, कब आपने इमोशन देना है कब होना है जो भी होना है उस सीन के दौरान तो आई थिंक कॉमेडी हो या जब, जब आप एक बार मैदान में उतर ही गए तो फिर कॉमेडी हो या एक्शन हो या फिर जैसी मर्जी मूवी हो फिर आपको आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत हो जानी चाहिए और मेरे को बहुत टाइम से आदत है यार ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की मुझे अपनी लाइफ एवरीडे और ब्यूटीफुल बनानी है आई थिंक आई डिजर्व बेस्ट थिंग्स इन वर्ल्ड एंड इज वन आईडी आई थिंक ये सेट इतना हँसा खेलता था कि कॉमेडी एक्टिंग नहीं हो रही थी सच में कॉमेडी हो रही थी सेट पर एंड आई रिमेंबर कि जब भी थोड़ा कुछ सीरियस हो जाता था अनुपम सर हमें लेके जाते थे डमशर आज हम खेलते थे हम बर्ड बिल्डिंग खेलते थे ही वुड लाइटन अप द होल एटमोसफियर एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर रियली मेड द होल जर्नी इजी एंड नहीं आई थिंक रोमांस इज़ अ लिटिल बट मोर हार्ट फॉर मीकाज आई लिटिल शाए इट टेक्स मी लिटिल टाइम टू कॉमेडी आ जाती है दिस दिस साइड हेलो इज आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी सही हमें पता चला है कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट बॉलीवुड आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है जिनका डांस आपको बहुत ज्यादा पसंद है मीन इट्स Okay. So, हम आपको थोड़ा डांस मूव करते हुए देख सकते हैं आज होती है दोस्तों। हम <laughs> 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 uh, <भाँ> ट्रेलर देखते <laughs> हैं। ओके। आप लोगों की वजह से आप लोगों की वजह से ऐसे ही रहना मेरे साथ अगले चालीस साल तक दोस्तों नमस्कार थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच ट्रेलर वंस जीथिंग

देखो ऐसा सीधे एकदम ऐसे बम फोड़ देने का कम प्लीज <laughs>